जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी की कैंडिडेट को जीत मिली है। गीता कुमारी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीत गई है। गीता को कुल 1506 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी उम्मीदवार को 1042 वोट मिले हैं। जेएनयू छात्र संघ के नतीजों के बाद कैंपस में लाल सलाम के नारों के बीच गुलाल से जश्न मनाया गया। जेएनयू छात्र संघ चुनावों में लेफ्ट गठबंधन ने सभी 4 सीटों पर जीत को दर्ज किया। जीत के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने लेफ्ट छात्र नेता ने कहा कि छात्रों की मेजोरिटी ने हमें जिताया। जेएनयू के अध्यक्ष चुनी गई गीता रानी मूल तौर पर सुपानपत के गांव बिजवा के। गीता के पिता जहां आर्मी में सरदार हैं, वहीं इन दिनों राजस्थान के जोधपुर में तैनात हैं। एबीवीपी के मुताबिक छात्र संघ चुनावों में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। एबीवीपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के मुताबिक विपक्ष में रहते हुए कैंपस सीटों पर लड़ाई जारी रखी है। दिल्ली में गांधीनगर के एक प्राइवेट स्कूल में 5 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप एक रिक्शे वाले पर लगा है। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। स्कूल में मासूम से रेप की घटना को सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया शर्मनाक। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। आउटर दिल्ली के रनहोला में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पंखों से लटका मिला छात्र का शव। मां के जॉब से घर लौटने पर घटना की जानकारी मिली। 8वीं क्लास का छात्र था मृत। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने जताया हत्या का शक। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पार्क से मिला महिला का शव। पार्क में पेड़ से लटका हुआ था शव। झारखंड की रहने वाली थी मृतक महिला। देवल नांगल गांव के पार्क की घटना। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों का आरोप हत्या के बाद पेड़ से लटकाया गया शव।